वायरस कोविड-19 से लड़ रहा है। इस जंग में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टर योद्धा का काम कर रहे हैं। हर जिले में कोविड अस्पताल बनाए गए हैं जिसमें संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में हमारे डॉक्टर संक्रमित मरीजों का इलाज, उनकी सेवा में लगे हुए हैं। ये योद्धा डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर 24 घंटे अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ऐसे ही एक डॉक्टर जो अचलपुर के मूल निवासी है और चिकलदरा सरकारी अस्पताल में बतौर अधीक्षक पद पर कार्यरत हैं, डॉक्टर मोहम्मद जाकिर इन्हीं में से एक है। डॉक्टर मोहम्मद जाकिर ने अमरावती के कोविड अस्पताल में अपना कर्तव्य निभाया और उन्हें 14 दिन तक अमरावती में क्वारंटाइन किया गया। जब कर्तव्य निभा चुके डॉक्टरों को आइसोलेटेड क्वारंटाइन कर उनकी स्वाब जांच की गई, जिसमें डॉक्टर जाकिर की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली, जिस पर उन्हें नागपुर के कोविड अस्पताल में रेफर किया गया। लोगों की दुआओं से वो इस जंग में जीते और अपने घर लौटे। आज जब उनका 42 दिन पूरे होने पर, क्वारंटाइन समाप्त होने पर, उन्हें अचलपुर के लोगों ने उनका जंगी स्वागत किया। इस समय अचलपुर के कर्तव्य दक्ष थानेदार सेवानंद वानखड़े, पूर्व नगर अध्यक्ष हाजी मोहम्मद रफीक सेठ, सईद मौलाना, उप जिला रोगनालय के डॉक्टर अनार अंसार, अब्दुल हादी सर, हमीद सर, सलीम शहदा सर और उनके डॉक्टर चाहने वाले सभी लोग वहाँ सत्कार के लिए पहुँचे। जब डॉक्टर जाकिर साहब अपने घर आ रहे थे, उस समय उनके काफिले में उनके चाहने वाले भी शामिल थे और इस समय आसपास के जो लोग थे उन्होंने फूलों की बरसात की। डॉक्टर जाकिर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। डॉक्टर जाकिर एक कोरोना योद्धा के तौर पर माने जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद जाकिर कोरोना की जंग लड़ने में अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं सुना और मतलब जो माइल्ड सिम्टम्स थी मुझे वो भी सब गायब होगी, जबकि वहाँ बहुत सा सिटी स्कैन ये सारी चीजें करने की बातें हुई। ट्विटर में फोन आया था, चोरी का फोन आया, लॉलिक रामा मैडम का फोन आया, इन लोगों का भी जो मॉरल सपोर्ट चाहिए जिसको उस वक्त में जो हिम्मत चाहिए, तो शहर के बेचारे जो फिक्रमंद सादे लोगों से लेकर के जो कमजोर में कुछ लोगों का पाए थे उन लोगों तक के सबकी जो मुझे वक्त पर हिम्मत और इतना की जो ये रही वो मैं मतलब